नमस्कार। देखिए, आज हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये यूनिट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में जानने से पहले, ट्रांसफार्मर के विषय में जो भी हम लोग पढ़ाएंगे उसके विषय में बात करने से पहले, हम लोगों को कुछ बातें मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक मटेरियल होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ये हमारी थर्ड यूनिट है, इस बात को जान लीजिए। हम यहां पर, यहां से अपनी थर्ड यूनिट में एंटर कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद ट्रांसफार्मर में पहले हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम बीएच कर्व के बारे में जानेंगे, देन हम उसके बाद ट्रांसफार्मर में एंटर करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक ट्रांसफार्मर। बट बिफोर टू स्टार्ट विथ दिस टॉपिक वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक। क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल? जैसा कि हम सबको पता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास हो सकती हैं, उसी को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल वो सारे मटेरियल्स जिन्हें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास हो सकती हैं। अब उनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, कि मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है अच्छे से पास होती हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसमें क्रिएट होती है। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पास होती हैं। ठीक है, इसके हिसाब से मैग्नेटिक मटेरियल मेनली तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, डाया मैग्नेटिक मटेरियल और थर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, जैसे मान लो ये है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक। यहां पर नॉर्थ साउथ साइड है और ये साउथ साइड। फ्लक्स लाइंस जो है वो पास करती हैं ऐसे कुछ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास होती हैं, बट उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है हमारा। जो सेकेंड टाइप होता है वो है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? वो मटेरियल जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देता, एक तरह से देखा जाए तो इससे भी ज्यादा वीक होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास ये सिचुएशन बनी हुई है कि ये आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस और भी ज्यादा साइड से निकल जाएंगे। मोस्टली कोशिश यही रहती है कि इसके अंदर से पास ना होना पड़े, बहुत ज्यादा कोई चली गई गलती से चली गई तो। बट डायमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल से भी खराब होती है। तो सबसे अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल कौन से माने जाते हैं? तो फिर हमारे जो सबसे अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, नॉर्थ साउथ और दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आप यह समझ लीजिए कि जो फ्लक्स लाइन इधर से जानी भी होगी ना, वो भी इसमें से ही होके जाएगी। मतलब ये फ्री स्पेस से भी ज्यादा अच्छा मीडियम है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन के पास होने का, इसे हम लोग कहते हैं
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे तीन टाइप होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो मटेरियल आते हैं जिनमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कुछ पास होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल में वो मटेरियल आते हैं जिनमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस उससे भी कम पास होती है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो मटेरियल आते हैं जिनमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस सबसे ज्यादा पास होती है। यानी अगर हमको मैग्नेट बनाना हो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करना हो तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक टाइप का हो। जैसे आयरन वगैरह जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और आपका जो जिंक वगैरह होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी एल्युमिनियम वगैरह जो होते हैं वो आपके डायमैग्नेटिक टाइप के होते हैं। तो अगर हम मटेरियल प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको रैंक करें कि सबसे ज्यादा किसमें ज्यादा जो मैग्नेटिक मटेरियल जो सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे बुरा कौन सा है, तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। सबसे जो टॉप पर रैंक आएगी वो आएगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, उसके बाद आएगी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, और उसके बाद आएगी डायमैग्नेटिक मटेरियल की। यह हमारा ऑर्डर है। सबसे ज्यादा इसमें मैग्नेटिज्म होगा, फ्लक्स लाइंस पास होंगी, सबसे कम इससे पास होंगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये जो है ये ट्रांसफार्मर के पहले आपके यूनिट में भी दिया हुआ है, तो ट्रांसफार्मर के पहले हम लोग को इस विषय में थोड़ा सा बात करना जरूरी था कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। देन इसके बाद एक छोटी चीज और आती है, वो है आपका बीएच कर्व। बीएच कर्व कैसे बनता है और बीएच कर्व का यूज क्या है असल में, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग चाहें तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा उस सबको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आपके एक एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वो यूनिवर्सिटी अकेडमियां हैं, आपको सारे नोट्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो हम हैं ना, क्या दिक्कत है। देखिए देखो भाई ऐसा है, अब हम बात करते हैं बीएच कर्व की। बीएच कर्व, पटाखे बंद हो गए, वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल के टाइम पे बज रहे थे, उनको वही था कि उनको उसी से दिक्कत है। बी और एच के बीच का जो कर्व है, बी क्या होता है पहले तो हम जान लीजिए, बी है क्या हमारा। हेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एंड एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमारा बीएच कर्व है, इतनी बात क्लियर है, ओके। डेंसिटी जानते हैं आप लोग, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा फ्लक्स लाइंस पास हो रही हैं ये डिपेंड करता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के ऊपर, और एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मतलब एक तरह से देखिए तो वो एच होता है आपका, ठीक। इन्हीं के बीच में कर्व खींचा जाता है। हम लोग को अच्छी तरह से पता है जो फॉर्मूला यूज होता है इसमें वो होता है बी इक्वल टू म्यू एच का। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा आठवीं नवीं क्लास में, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है आठवीं नवीं क्लास में, नाइन्थ में, टेंथ में, इंटर में सबने, ठीक है। तो उस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले का मिली मतलब क्या है, देखिए ये जो फॉर्मूला है बी और एच के बीच में कर्व है, अगर हम इसकी तुलना वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स से करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि सेंटर से पास होती है। हम अच्छी तरह से जानते हैं वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स क्या है। इस इक्वेशन से अगर हम इसकी तुलना करें तो एम क्या होता है, टेंजेंट, प्रवणता, जो कि म्यू है, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या होगा, बी। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एच। यानी वाई एक्सिस पे क्या होगा, बी। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एच। इन दोनों इक्वेशन में समानता है, तो तरीके से देखा जाए तो बी एच कर्व जो होता है ना वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व होना चाहिए, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, यही तो एक बेसिक डिफरेंस होता है मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। मैथ्स में जब एक पत्थर आप ऊपर से फेंकते हैं तो जब वो पानी में गिरता है तो सिर्फ पानी में कितनी हाइट तक गया है,
इन सब से क्वेश्चन से मतलब होता है। लेकिन जब यही सेम क्वेश्चन फिजिक्स में आता है तो पानी की डेंसिटी, विस्कोसिटी, पत्थर का वेट, ये भी मैटर करता है, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहां पर ये इक्वेशन ऐसे ना होकर इसका डायग्राम किसी दूसरे टाइप का बनेगा, इसका जो आपका ग्राफ बनेगा ना थोड़ा अलग टाइप का बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि वहां पर ये इक्वेशन इसको नहीं फॉलो करेगा, बिकॉज मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है ना वो बीच में आड़े आ जाएगी। उसी के बारे में समझना है हमको, ठीक है। देखिए B इज इक्वल्स टू म्यू एच, हम पहले एक्सेस बना लेते हैं, ये और ये। जैसा कि हमको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स से हमने तुलना की थी, y इज इक्वल टू एम एक्स से, तो B हो गया तुम्हारे y एक्सिस पे और h हो गया x एक्सिस पे, ठीक है। फिर क्या हुआ भैया? फिर हुआ यूं कि जैसे जैसे हम पॉइंट जीरो से हमने स्टार्ट किया, जब एच भी जीरो है बी भी जीरो है, यानी इंटेंसिटी भी जीरो है डेंसिटी भी जीरो है, जैसे जैसे हमने प्रॉपर्टी की इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती गई, यानी हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे, लेट अस कंसीडर इस पॉइंट पे अगर एच यहां है तो उसी पॉइंट पे बी यहां है, उसी तरह से अगर हम आगे बढ़े इस पॉइंट पे अगर एच यहां है तो उसी पॉइंट पे बी यहां है, यानी हम एच में इंक्रीमेंट करते गए तो बी में भी इंक्रीमेंट होता चला गया। ये बात आपके समझ में आ रही है? लेकिन एक पॉइंट आने के बाद, लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट, ये एक पॉइंट आने के बाद हम जब एच को आगे बढ़ाते हैं तो बी में कोई चेंज नहीं आता, यानी वो डेंसिटी क्या होता है, हमने क्या बोला, डेंसिटी जो होती है एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फ्लक्स लाइंस जा रही है उस पर डिपेंड करती है। जब वो पूरी तरह से फिल हो गई, अब उसमें कोई फ्लक्स लाइन पास नहीं हो सकती, तुम चाहे कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दो बी की वैल्यू फिक्स हो जाएगी वहां पर। ये हर एक मटेरियल में अलग अलग होती है। उसके बाद तुम अगर एच को बढ़ा भी रहे हो तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, यानी अब तुम ग्राफ अगर आगे बढ़ाओगे तो एच को बढ़ाते जा रहे हो बट बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखो बी फिक्स हो गया अपनी जगह पर, वो एक पॉइंट होता है हर मटेरियल का अलग अलग होता है। मान लिया ये कोई मटेरियल एक्स है, उसका पॉइंट यहीं पर आ जा रहा है, ये जहां पर ये एक्स जो है फ्री हो जा रहा है। अब यहां से बी की वैल्यू बढ़ाओ, सॉरी एच की वैल्यू बढ़ाओ, बी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नियम तो ये कहता है कि जैसे हमने इस चीज को बढ़ाया था, इस रूट को उसने फॉलो किया, इस रूट को फॉलो करते हुए यहां तक गया, तो जैसे जैसे हम एच को घटाएंगे इसी रूट को फॉलो करते हुए जब जीरो पर लाए तो यहां पर आ जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? जब हम जैसे जैसे एच को कम करते जाएंगे तो इसी रूट को फॉलो करते हुए आएगा और ये ऐसे वापस आता है, ना कि ऐसे वापस आता है। मतलब एक वैल्यू के बाद जब हम एच की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो भी बी की वैल्यू कुछ ना कुछ बनी रहेगी, एग्जाम्पल के तौर पे तुम इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक तार है, ठीक है, तुमने उसको गर्म किया, तुमको पता है कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तुमने उसको 10 डिग्री गर्म किया, वो कुछ गर्म हो गया, फिर तुमने वापस 10 डिग्री कम कर दिया, तो क्या तार पूरा ठंडा हो जाएगा? नहीं होगा ना, कुछ देर उसमें हीट बनी रहेगी। वो क्यों? क्योंकि उस तार की जो तार जिस भी मटेरियल का बना है उसकी प्रॉपर्टी है कितनी देर तक हीट रोक सकता है। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत ऑन किया फिर तुरंत ऑफ कर दिया, तो पूरा ठंडा हो गया, ऐसा नहीं होता। सेम यही चीज मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी होती है। एच जब बढ़ा रहे थे तब बी बढ़ रहा था, एक पॉइंट के बाद जब एच बढ़ा रहे थे तो बी फिक्स हो गया, फिर जब हम एच घटा रहे थे तो एच घटने के बजाय एच यहां पे जीरो है फिर भी बी की वैल्यू कुछ ना कुछ बनी हुई है। दिस इज ड्यू टू रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, इसे ही कहते हैं, यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें लॉक हो जाती है, भले एच की वैल्यू जीरो हो जाए फिर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मटेरियल उसमें बना रहता है, ठीक है, ये एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती। फिर हमने क्या किया, अगेन एच की वैल्यू और कम करते गए, हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो कहीं यहां आकर जब एच की वैल्यू कहीं माइनस में आई होगी तब जाके बी की वैल्यू जीरो गई। तुमने एच की वैल्यू को और कम किया, अगेन इसी रूट को फॉलो करेगा कि जैसे जैसे एच की वैल्यू कम करते जाओगे, वैसे वैसे बी की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो एच की वैल्यू तुम इधर कम कर रहे हो, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हो, तो मतलब कम हो रही है, वैसे वैसे बी की वैल्यू और कम होती जा रही है।
लेकिन फिर वही सेम कंडीशन, एक ही कहानी, एक पॉइंट आने के बाद फिर यहां पे सैचुरेट हो जाएगा वो। लेट अस कंसीडर दिस इज द पॉइंट। अब क्या होगा, अब एच की वैल्यू तुम चाहे जितनी भी कम करो, बी की वैल्यू उससे कम नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी है ही नहीं खत्म खाली, ठीक है, बी की वैल्यू इससे कम नहीं होगी। अगेन ये लाइन ऐसे आ जाएगी, देखो फिर वही बात आ गई कि इस पॉइंट पे आने के बाद बी की वैल्यू स्टक हो गई। अब तुम एच की वैल्यू चाहे जितनी भी कम करो इधर ले जाओ, बी की वैल्यू इससे नीचे जाएगी ही नहीं। फिर तुमने भाई क्या, अब तुमने एच की वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दी, बढ़ाई तो उसको इसी रूट को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगेन वो इस रूट को फॉलो नहीं करेगा, वो एक नए रूट को फॉलो करता है। मतलब इस पॉइंट पे देख के तुमको क्या लग रहा है कि यहां पर आने के बाद एच की वैल्यू तो जीरो हो गई, बट बी की वैल्यू अभी भी माइनस में कुछ ना कुछ बनी हुई है। सिमिलरली एच की वैल्यू तुम बढ़ाओगे आगे ले जाके, वो इधर जाके ऐसे इसमें मैच कर जाती है, और ये बनता है तुम्हारा बी एच कर्व। बी और एच के बीच की जो भी जद्दोजहद है वो इस पूरे कर्व से दिखाई देती है। तुमने एच की वैल्यू बढ़ानी शुरू की, बी की वैल्यू बढ़ी, एक पॉइंट के बाद एच की वैल्यू बी की वैल्यू क्या हुई, कॉन्सेंट्रेट हो गई, अब इसके बाद नहीं बढ़ेगी, तुम एच की वैल्यू चाहे जितनी बढ़ाओ। फिर तुमने एच की वैल्यू घटाई तो बी की वैल्यू ने उसी रूट को फॉलो नहीं किया, दूसरे रूट को फॉलो किया, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल हमने इसमें यूज किया है, ये जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, ये अच्छी चीज नहीं होती है। मान लो अगर हमको कोई चीज, हमको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड पास कराना चाहते हैं, हमारा काम है कि वो मशीन की तरह काम करे, यहां से ले वहां दे अपना काम करे। अब मानो पड़ा वो जो मटेरियल है वो खुद ही मैग्नेटिक फील्ड को सोखना शुरू कर दिया उसने, तो बेकार हो गया ना। तो मानो पड़ा यहां से 10 भेज रहे हो, 3 उसी ने रख लिया, 7 पास हो रहा है, तो क्या फायदा। जो मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिक डेंसिटी या फील्ड को ऑब्जर्व करने लग जाता तो वो अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें हीट ज्यादा होती है, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो वायर अच्छा नहीं माना जाता है। जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है यानी जो पास करने दे रोके नहीं, वो अच्छा माना जाता है। तो यहां क्या है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अपने अंदर स्टोर करता चला जा रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, ये जो पूरी चौड़ाई है, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ड्यू टू रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म। क्लियर। और ये क्या है, ये एच वो फोर्स है जो रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए चाहिए, तो इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ये वो फोर्स है जो रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म को, जिसको रेमिनेंट फ्लक्स भी कहा जाता है, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होता है ना उसको रेमिनेंट फ्लक्स कहा जाता है। तो कई किताबों में लिखा होता है कि दिस इज द कोहेसिव फोर्स विच इज यूज फॉर न्यूट्रलाइज रेमिनेंट फ्लक्स, यानी इसकी बात कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, कोहेसिव फोर्स। Which is used for neutralize remnant flux. Cohesive force क्या है, किस लिए यूज हो रहा है, remnant flux को neutralize करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी material को जो हम use कर रहे हैं उसका ये graph जितना ज्यादा चौड़ा होगा ना, ये उतना बुरा material है, उतना बुरा magnetic material। तो ये graph जितना fine हो, जितना पतला हो, जितना इस straight line के करीब हो, उतना अच्छा माना जाता है। यानी वो उतना कम सोख रहा है, उतना कम residual magnetism produce कर रहा है। इतनी बात क्लियर है, यही है आपका बीएच कर्व। यही वजह है कि जिसको स्ट्रेट लाइन फॉलो करना चाहिए वो इस तरह से ग्राफ बनाता है। तो हम लोगों ने जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इस तरह से ग्राफ बना के दे देते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद आपसे पूछा जाता है कि ये डॉटेड लाइन ऐसे होती है, कई जगहों पर नहीं बनाते, ऐसे बना देते हैं, ये ग्राफ अच्छा है या फिर ये अच्छा है। अब देख के बताओ दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है, बताओ दोनों में से, इन दोनों में से इसका एरिया ज्यादा है,
तो जाहिर सी बात है ये बुरा मैग्नेटिक मटेरियल है, उतना अच्छा नहीं है, और ये अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मैं तुमको दो ऑप्शन दूं कि इन दोनों में से एक फेरोमैग्नेटिक है और एक पैरामैग्नेटिक है, तो किस कौन सा फेरोमैग्नेटिक होगा इसमें से? अगर एक इनमें से फेरोमैग्नेटिक है और एक पैरामैग्नेटिक है, तो कौन सा फेरो होगा, कौन सा पैरा होगा? मान लो ये ए है, ये बी है, तो देख के लगता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बीएच कर्व बहुत पतला होना चाहिए, यानी जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल उतना पतला बीएच कर्व। तो उस हिसाब से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बी वाला होगा और पैरामैग्नेटिक मटेरियल ए वाला होगा। इतनी बात क्लियर है? ये है आपका बीएच कर्व। ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि बीएच कर्व क्या है और यह कैसे काम करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? एक बार देख लो इसको। ठीक है, तो आपके इस यूनिट में जो आपके दो टॉपिक हैं उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। एक तो आपके मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? वो मटेरियल जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास होती हैं। कैसे पास होती हैं, वीकली की स्ट्रांगली, वो बात की बात है। तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें सबसे स्ट्रांगली लाइंस पास होती है, जो सबसे अच्छे मटेरियल माने जाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, आयरन वगैरह जैसे होते हैं, आयरन उसके अलॉय वगैरह जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद पैरामैग्नेटिक होते हैं जो उनसे वीक होते हैं, ठीक है, बट उसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास होती हैं। ठीक है, और उससे भी वीक होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिनमें मैग्नेटिक लाइंस लगभग नहीं के बराबर पास होती हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी बीएच कर्व के ऊपर। हमने क्या बताया, बीएच कर्व जो होता है, बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये फॉर्मूला सबको पता है, जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में खींचा जाता है। कभी भी जब इस तरह का फॉर्मूला यूज किया जाता है ना, अब इसकी हमने तुलना किससे की थी, ये किससे मैच करता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स से मैच करता है। आपको अच्छी तरह से पता है ये वैल्यू जो होती है y is equals to mx में, जो x एक्सिस की वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू, और ये होती है डिपेंडेंट वैल्यू। मतलब इस वैल्यू पे ये वैल्यू निर्भर करती है, यानी x एक्सिस की वैल्यू पे y एक्सिस की वैल्यू निर्भर करती है, तो इसीलिए y एक्सिस की वैल्यू हमेशा डिपेंडेंट रहती है, और जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है वो हमेशा y एक्सिस पे होगी, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है वो हमेशा x एक्सिस पे होगी। तो यहां पर इंडिपेंडेंट कौन सी वैल्यू है, ये वाली इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये कैसी होगी, डिपेंडेंट वैल्यू, डिपेंडेंट वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, यह है आपका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ठीक है, ये हो गया हमारा बीएच कर्व क्लियर। इसमें कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम उस पे आते हैं जो टॉपिक असल में हमने स्टार्ट किया है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर,